आप देख जनता का चैनल फर्स्ट ट्रैक। हम मौजूद हैं बाड़ी मलिंगा के पास। यहां पर बाड़ी के पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर द्वारा इन पर कुछ आरोप लगाए गए, उनको लेकर बातचीत करते हैं। उन आरोपों को लेकर बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा जी का क्या कहना है, उससे लेकर बात करते हैं। सर बताइए, कुछ आरोप लगाए गए हैं बाड़ी विधायक के, पूर्व विधायक हैं, उनके द्वारा आपके ऊपर कुछ आरोप लगाए गए हैं, उनको लेकर आपका क्या कहना है? उनके पास कोई काम है ही नहीं आरोप के अलावा। कैसे जो व्यक्ति आरोप लगा रहा है इसके खिलाफ खुद 6 मुकदमे, ये आपके सामने कागज मैंने आपको दिया है, इसमें 6 मुकदमे, इसमें चोरी और 420 मीसा में जो बंद रहा है, 50 सीटर जी है, शराब तस्कर जी है, आपके मुकदमे दर्ज है, वो मैंने आपको सारी कॉपी दे दी है इसको। इसके पास कौन कौन से मुकदमे नहीं है, कौन कौन सी धारा नहीं, वो सारे मुकदमे मैंने सब इसका काला चिट्ठा वो सब आपको दे दिया है। एक क्या है कि 4 बार चुनाव हार चुका है, इसकी दुकान में कोई सामान नहीं बचा है, और इससे हमें चोर से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, तो खुद ही चोर है, हमें क्या सर्टिफिकेट देगा, जाके खिलाफ खुद के मुकदमे 6-6 मुकदमे चोरी और 420 के मुकदमे दर्ज है। ये चोर हमें सर्टिफिकेट देगा, हम चोर का सर्टिफिकेट देंगे? हमें तो जनता ने सर्टिफिकेट दे रखा है कि 3 बार MLA कंटिन्यूस बनाया है, अगर हम गलत होते तो हमें 3 बार पब्लिक वोट नहीं देती, और वो भी 20,000 वोट से जीते हैं। अब की बार इसको 30,000 से हरा के ना ही भेजूंगा। नहीं, ये उनका ये कहना है कि अवैध वसूली, जुआ करवाते हैं आप, उसकी वसूली होती है आपका, आपके पास उसका कुछ परसेंटेज आता है, क्या सच्चाई है इसमें, क्या हकीकत है? वो बताया गया है कि FIR भी आप थानों में दर्ज होती है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? मेरा तो कहना यही है कि अगर मेरे पास बंदी देने आता तो कौन देखने गया है, उसका नाम भी वो उजागर करे, किसके सामने देखने गया है, जरा उसकी जांच भी अच्छे तरीके से कराई जावे, कि जो जो बांधने का दिन बतावे तो बांधने की मोबाइल लोकेशन भी निकाली जाए कि वो व्यक्ति मेरे से आगे नहीं मिला है कि नहीं मिला है। जांच होनी चाहिए तो फिर बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। और बकाया ये कि थाने की बात है, थाने में FIR तो ये गलत काम कराना चाहते हैं तो थाने वाले नहीं करते हो उनके कहने से गलत काम, कैसे इनका चरित्र कैसा, इनका चाल चलन कैसा, तो इनके कहने से कोई गलत काम नहीं कर रहा है, वो तो थानेदार पर ये दबाव डाल रहे होंगे, वो थानेदार ने इसकी नहीं मानी होगी तो उसको लेकर ना ये बौखला रहे होंगे, तो इनके पास बकाया कोई सामान है इन दुकान में। 3 बार चुनाव मैंने हराया, 1 बार हम कांग्रेस में धनजी सिंह चीकू संघ थे, इसको 4 बार चुनाव हरा दिया हम लोगों ने। अगर जी अच्छा व्यक्ति होता तो ये 4 बार चुनाव क्यों आता, तो जी हमें सर्टिफिकेट देकर हम चोर होते तो जनता हमको वोट क्यों देती, ये अगर अच्छा आदमी होता तो ये 4 बार चुनाव क्यों हारता, ये 4 बार चुनाव जब भी तो हराएगा, जो खुद ही व्यक्ति खराब है जब भी तो 4 बार हारा है, ये तो इतना बेशरम हो गया कि इसको तो 4 बार चुनाव हारने के बाद में कोई व्यक्ति में कुछ बचता है क्या, चुनाव में कोई लड़ता है क्या? मैंने तो इतिहास में आज तक कोई भी व्यक्ति नहीं देखा है कि जो 2 बार चुनाव हारने के बाद में 3 बार चुनाव लड़ता हो। तीन लड़के कोई भी नहीं लड़ा है, तो ये तो 5वां हारने के लिए भी तैयार है गारंटी से। उनके द्वारा आपके साथ साथ राजस्थान सरकार के 116 विधायकों पर आरोप लगाया गया है कि सरकार द्वारा उन्हें खुली लूट की छूट दे रखी है, इसको लेकर क्या कहना है? ये बड़ा आरोप है, आपके साथ साथ 116 विधायकों पर आरोप लगाया है कि लूट की खुली छूट राजस्थान सरकार ने दे रखी है इन विधायकों को। ये मतलब बहुत ज्यादा भलवा आदमी ना सोचिए, हमें पूरी 116 विधायकों को सबको, बहुत बड़ा देश का लीडर है ना, कैसे जे देश का प्रधानमंत्री हो या ये देश का गृह मंत्री हो, ये क्या देगा? ये खुद हर हार के ना इतना बार पड़ा, 1 बार विधायक बन गया भूल में, अब जे मतलब 116 विधायकों को चैलेंज कर रहा है, इसके पास क्या है, ये क्या आरोप लगाएगा 116 विधायकों की, जो पाए की धोबन भी है क्या, क्या इसकी बारे में? लोग तो 7-7, 8-8 बार जो हमारे संग 116 विधायक है, लोग 3-3, 4-4 बार MP रहे हैं, 3-3, 4-4 बार MLA रहे हैं, 7-7 बार MLA रहे हैं, जो सर्टिफिकेट देगा क्या 116 विधायकों को? ये आरोप पूरी तरह से निराधार है, बेकार है उनके। ये नजारा नहीं है, पूरा पूरा नजारा रहे, और जो लगाने वाला भी वो भी नाकारा है, उसके पास भी कोई सामान नहीं है। ये थे बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, जिन्होंने बताया कि बाड़ी के पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर द्वारा इनके ऊपर कुछ आरोप लगाए गए थे, उनका स्पष्टीकरण दिया है, वो बताया है कि पूरी तरह से निराधार हैं और बौखलाए हुए हैं। इसको लेकर आज बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसको लेकर पूरा स्पष्टीकरण बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा द्वारा दिया गया है। बाड़ी से फर्स्ट ट्रैक न्यूज के लिए मलिक इमरान खान।